today we will talk about plants on physical basis or chemical basis. On physical basis, matter is of. We will discuss plasma and we will go for plasma. What is the meaning of plasma? I will try to explain about electrons and ions. Plasma is the fourth state of matter. So it is plasma and BEC. So we are talking about that plasma only. So what is plasma? Plasma is the mixture of free electrons and ions. So what is जो gases होती हैं या कोई भी element होता है उस वो atomic form में होते हैं. हम पढ़ेंगे, देखिए detail इसकी हम लोग third और fourth chapter में पढ़ेंगे, ज़्यादा detail में लेंगे. Called helium. Yes, helium. H symbol है. यदि हम किसी gas को heat करें तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. अब मुझे बताइए कि हमने बोला है कि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई. गैस पार्टिकल्स आर मोर एक्साइटेड और देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. बहुत हीट हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए तो क्या होगा? सो व्हाट हैपेंस, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम. जो एटम होता है हीलियम, एटम में तीन चीजों से मिलकर बनना होता है इलेक्ट्रॉन. कौन सी तीन चीजों से मिलकर बनना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इसके अंदर से दो माइनस चार्ज निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज के कारण दे लूज इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करते हो उन पे चार्ज आ जाता है. जितना इलेक्ट्रॉन लूज करते हो उतना प्लस चार्ज आ जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करते हो उतना माइनस चार्ज आ जाता है. यहाँ पर हमने बोला हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो हीलियम पे दो प्लस चार्ज आ गया. ठीक है, तो ये जब चार्ज आ जाता है किसी एटम के ऊपर तो इसको हम आयन बोलते हैं. ये हमारा एटम था. एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या बन गया? वो आयन. तो अब ये काय का मिक्सचर हो गया, इलेक्ट्रॉन और आयन का. तो दिस मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयन, जब ऐसा मिक्सचर बन जाए तो ये स्टेट क्या कहलाती है? प्लाज्मा. इट नाइदर लुक लाइक अगर ना लिक्विड की तरह और ना ही किसी गैस की तरह, ये कुछ अलग ही टाइप का दिखता है जिसे हम केवल इमेजिन नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट सी इट, है ना, क्योंकि नेचुरली जो है ये पाया जाता है स्टार्स में, जहां हम नहीं जा सकते सन में पाया जाता है. तो वो भी ऐसा नहीं कि उसे बना के भर दिया है, जैसे ट्यूबलाइट है. ठीक है, फ्लोरोसेंट लाइट है, ट्यूबलाइट है, उसके अंदर क्या करते हैं जनरली हीलियम गैस को फिल कर देते हैं. ठीक है, अब उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब है, हमने उसको हीलियम भर दिया उसके अंदर. अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी का बटन ऑन किया, मतलब उसको एक तरह से हीट मिल गई है, तो जैसे ही उस हीलियम को हीट मिली इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, वो क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है. आयोनाइज होके जो एक्साइटेड होने के कारण वो ग्लो करने लगता है, जिसके कारण हमको लाइट दिखाई दे रही है. ठीक है, अब हम क्या करें, हम चाहे हम देखें उसको, तो देखने के लिए सप्लाई खत्म हो गया तो वो वापस हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. दोनों वापस मिक्स होके, जैसे ही हमने लाइट का बटन ऑफ करा है, दोनों मिक्स होके वापस हीलियम मिल जाएगा. जैसे लाइट ऑन करा हीलियम एक्साइटेड होके आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जो मिक्सचर है इलेक्ट्रॉन और आयन का, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा. इसलिए इसे देख पाना मुश्किल है, ये साइंटिस्ट लोगों ने बस बता दिया है, तो हम लोगों को इस पर स्टडी करना है. बाकी हम फिर कंसीडर की इफ वी कैन टच और सी इट, सो इट इज वेरी इम्पॉसिबल. आप लोग केवल शॉर्ट में ध्यान रखिए, व्हाट इज प्लाज्मा? सो प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. इलेक्ट्रॉन और आयन शॉर्ट में मैंने समझाया, डिटेल हम लोग थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे इसको. ठीक है, किसी गैस को जब हीट कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन और आयन का जो मिक्सचर है वो कहलाता है प्लाज्मा. वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग स्टेट में रहता है, इसलिए वहां से लाइट निकलती है. इसी कारण स्टार्स भी जो है लाइट देते हैं, सन भी लाइट देता है. सन के अंदर जो है बहुत ज्यादा हीट होती है, उस हीट के कारण जो गैसेस है उसके अंदर वो कंटिन्यूअसली जो है वो ब्रेक होती रहती है आयन और इलेक्ट्रॉन में, जिसके कारण वो इतना ग्लो होता रहता है. ठीक है, आर्टिफिशियली हमने बोला काय में बनता है, काय में हो सकता है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स में हीलियम गैस भरी रहती है, और जो नियॉन बल्ब्स है, कलरफुल बल्ब्स है, डिस्को लाइट्स वगैरह जो होती है, वो नियॉन बल्ब्स जो होते हैं उसके अंदर नियॉन गैस भरी हुई होती है. ये गैसेस जनरली इनर्ट गैसेस है, तो
इनको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो क्या होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयनाइज हो जाती है, तो उसी इलेक्ट्रॉन और आयन के मिक्सचर को क्या कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स। नेचुरली इट इज फाइंड इन सन एंड अदर स्टार्स एंड आर्टिफिशियली इट इज फाउंड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, नियॉन bulbs, etc. Clear? Now we will talk about the last topic of this chapter, that is BEC. BEC हमने बोला था उधर matter के classification में fifth state of matter है, या इसे zero state of matter भी बोल सकते हैं, zero state matter की zero state भी बोल सकते हैं या fifth state of matter है ये. BEC is a short abbreviation. इसका full form क्या है? इसका फुल फॉर्म है बी है बोस, ई फॉर आइंस्टाइन एंड एस फॉर कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दिस टू साइंटिस्ट हु आर दे सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। दिस टू साइंटिस्ट हैज गिवन देयर मेनी ईयर्स टू फाइंड दिस स्टेट, so this state आता है, तो ये process condensation की हो रही है, इसलिए condensed set ले लिया हुआ। ठीक है, तो BEC का full form क्या है? Bose-Einstein condensed। ठीक है, ये जो दो scientists हैं सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने काफी efforts डाले BEC को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नल कैटरले एंड रीमैन यूएसए के तीन साइंटिस्ट हैं, ये लोग इन्होंने फाइनली जो है इस स्टेट को बनाया। कैसे बनाया? इन्होंने क्या किया, डेंसिटी की बात की है पहले, डेंसिटी केसेस की ऑलरेडी लो होती है, लोएस्ट डेंसिटी होती है, उस डेंसिटी में से भी लोएस्ट डेंसिटी वाली केस लिया। कितना डेंसिटी था उसका? नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी है उससे आप अंदाज लगा लीजिए 100,000 टाइम्स। किसी नॉर्मल एयर की डेंसिटी से इतनी कम डेंसिटी वाला कोई एयर लिया, उसे क्या कराया? उसे ठंडा कराया। जनरली यदि हम एयर को ठंडा कराएंगे तो क्या बनेगा? कंडेंसेशन को, उस प्रोसेस को, एयर को ठंडा कराएंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो एयर जो गैस उन्होंने लिया था वो बहुत ही एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का था, और उसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे, उन्होंने सुपर लो टेम्परेचर पे जब ठंडा करा तो लिक्विड नहीं बना, वहां पर कोई नया स्टेट बना, मतलब ऐसा चीज बनी जो ना सॉलिड डिग्री थी, ना लिक्विड थी, ना गैस थी, ना प्लाज्मा थी, कुछ नया ही दिख रहा था वहां पर। तो उसने उन्हें जो है नया स्टेट दे दिया मैटर का, उसे BEC का नाम दे दिया कि ये जो है कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना सॉलिड जैसा दिख रहा है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो उसने उन्हें स्टेट इज एडेड। तो व्हाट इज BEC? मेन टॉपिक हम बात करते हैं, व्हाट इज BEC? सो BEC इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज अ शॉर्ट एब्रीविएशन फ्रॉम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, when scientists have taken a gas at extremely low density and cooled it with very 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 low temperature, they find a new state of matter. They have given it the name of BEC. ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी हमको, बस इतना ही आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पर, क्योंकि ये भी जो है बना पढ़ना देख पाना दोनों ही मुश्किल है, तो दोनों इमेजिनरी स्टेट्स हम मान सकते हैं, इसलिए जितना डिटेल आपको दिया है इतना ही आप लोगों के लिए इनफ है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को दोनों? बोस आइंस्टाइन क्लियर, कंडेंसेट BEC एंड प्लाज्मा, इट इज आल्सो कॉल्ड जीरो स्टेट ऑफ मैटर, जीरो स्टेट भी बोलते हैं मैटर इसको। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, नाउ आवर चैप्टर 1 दैट वाज मैटर इन आवर सराउंडिंग इज क्लियर। ठीक है, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के या
मैसेज करके वहां पर बता सकते हैं. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच. Mm-hmm.